हेलो सर, कोई ऐसा आदमी है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? हेलो सर, आगे बढ़े। तो कोई ऐसा आदमी है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? कमाना चाहता है। मेरी अपलाइन को लग रहा था कि इस बिजनेस में बेसुमार पैसा है, मुझे नहीं दिख रहा था, मेरी अपलाइन को दिख रहा था। उन्होंने लगा अगर मैं इस बिजनेस को इसे सिखा दूं तो ये आने वाला टाइम में बहुत पैसा कमाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी है, बट इसको पता नहीं है। मेरी अपलाइन को लग रहा था कि मुद्रिका गोप को पता नहीं है कि मुद्रिका गोप में क्या क्वालिटी है। ये मेरी अपलाइन को पता था। जिस तरह से हीरे को देखें आप, क्या होता है जब वो खान से निकलता हीरा तो क्या होता है? काला होता है। यस या नो? उस हीरे को खुद पता नहीं है कि मैं क्या हूं, उसको खुद पता नहीं हीरे को मैं क्या हूं। लेकिन जो जौहरी होता है, जिनको पता है ये हीरा है, वो उसको घीस घीस के एक ऐसा आभूषण बनाता है जिसको हम बोलते हैं डायमंड, और वो बहुत ही महंगा होता है। यस या नो? तो हीरे को खुद जैसे पता नहीं है, वैसे आप सब बहुत सारे लोग हैं जो शायद जिनको शुरुआत के अंदर पता नहीं हुआ, लेकिन आपकी जो अपलाइन है उनको सब पता है इस बिजनेस के अंदर क्या मिल सकता है। उन्होंने मुझे यहाँ पे गाइड किया, मुझे समझाया, एक नहीं हजारों बार समझाया, मैं नहीं करना चाहता था, उसके बाद भी समझाया, क्योंकि उसको दिख रहा था मुद्रिका गोप यहाँ पे कामयाब होगा, क्योंकि इसमें ये क्वालिटी है। अगर इसको आंख बंद है, इसकी आंख को खोल दिया जाए, ये बिजनेस में बेशुमार काम करेगा। मेरी अपलाइन ने वही किया और आपकी अपलाइन भी आपके साथ वही कर रही है। इसलिए आप अपनी अपलाइन की बातों को कभी नजरअंदाज ना करें। आपकी अपलाइन आपके साथ है इस बिजनेस में, हाथ से हाथ बढ़ा के काम करने के लिए। क्या करेंगे आप सब? Yes, sir. आपकी अपलाइन आपको ऊंचाई की उस बुलंदी पे लेके जाएगा जिसने आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिस वीडियो को आपने देखा है, शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे इस बिजनेस को करने के बाद ये आजादी, ये पैसा, ये मान, ये सम्मान, ये इज्जत और ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक बार अपलाइन की बात को मान लिया, आज गिलेज के अंदर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के तैयार। कभी भी नजरअंदाज आप अपनी अपलाइन की बातों पे ना करें, ब्लाइंडली फ्लो करें आप अपनी अपलाइन की बातों पे। यस या नो? मैंने उनकी बात को मान के ट्रेनिंग शुरू किया। ट्रेनिंग में जब बैठा तो मुझे पहले दिन जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं कॉलेज करने वाला लड़का था, मैं मस्ती करने वाला लड़का था। जब पहले दिन ट्रेनिंग में बैठा और यस सर नो सर होता था, होता या नहीं होता है? यस सर। मुझे लगा भैया यस सर और नो सर है तो तीसरा सर कहाँ? हेलो। मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शुरुआत में कोई भी काम किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा बचपन के अंदर, आप सब लोग जब बच्चे थे शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज अगर आपके घर में बच्चे हैं तो क्या कोई बच्चा पढ़ना चाहता है? कोई बच्चा पढ़ना चाहता है? बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी है उनको पढ़ने के लिए बोला जाता है और उनको पढ़ना अच्छा लगता बचपन में, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर प्रेशर डालते हैं। यस या नो? लगातार प्रेशर डालते हैं। जब पहले दिन बच्चा स्कूल जाता है उसका जाने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन आपको मालूम है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा उसका जिंदगी खराब हो जाएगा। यस या नो? ठीक उसी प्रकार से मैं जब आया था मुझे क्लास लेना अच्छा नहीं लगता था। यस सर नो सर मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था यार कौन सा ट्रेनिंग हो रहा है, कैसा क्लास हो रहा है, यहाँ पे यस सर नो सर और ताली बजाने से 50,000 कमाएंगे, मेरे को बिलीव नहीं होता। मुझे लगता है यार कौन सी कंपनी है, कैसे प्रोडक्ट है, कैसे काम करेंगे। शुरुआत के अंदर बहुत दिक्कत है यहाँ पे। यस या नो? सीडी पीडी लेवल पे इतना कठिनाइयों का परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और मुझे लगता है आप सब लोग कर भी रहे। यस या नो? जब मैं सीडी लेवल पे आया था घर में बहुत अच्छा खाना मिलता था, मैं आज तक कभी घर के अंदर अपने से खाना निकाल के नहीं खाया था, मैं आज तक घर के अंदर कभी अपने से थाली नहीं धोया था, लेकिन क्या यहाँ कोई खाना निकाल के देता आपको? नो सर। क्या यहाँ आपका थाली कोई धोता है? नो सर। यहाँ आप
वो सारा काम खुद करते हैं जो घर में कभी किया आपने नहीं है। करते या नहीं करते हैं दोस्तों? मैंने भी किया है, आज से 11 साल पहले मैंने भी किया है। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कोई गरीब परिवार से नहीं था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे घर में पैसा का कोई दिक्कत नहीं था, मेरे पापा ऑलरेडी जॉब करते थे, मुझे पैसा मिल जाया करता था 3 से 4 हजार रुपया महीना खर्च करने के लिए। मैं अपने बिहार के अंदर एक जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहां मैं पढ़ाई करता था, कोई दिक्कत था नहीं मुझे, कोई परेशानी घर से नहीं था, मैं कोई लॉ फैमिली से भी नहीं था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो जब यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो अच्छा नहीं लगता था मुझे, क्योंकि घर में बहुत अच्छा खाना मिलता है। क्या यहाँ बहुत अच्छा खाना मिल जाता है? हेलो, घर में एक बेड पे 1 से 2 आदमी सोते हैं, यस या नो? यहाँ एक बेड पे तो 5 से 10 आदमी भी सो जाते हैं, यस या नो? कोई बात नहीं दोस्तों, एक बेड पे 5 से 10 आदमी मैंने भी सोया है, मैंने भी नीचे सोया है, मैंने भी अपनी जिंदगी को कठिनाइयों से गुजारा है सीडी पीडी लेवल पे, क्योंकि जो कठिनाई मैंने सीडी पीडी लेवल पे किया है आज उसी का नतीजा है कि हम ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो इसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मुझे मिला आपको भी मिलेगा, कल मुझे मिला आज आपको मिलना है, यस या नो? कल मैं आया था आज आप आए हैं, कल वही कंपनी था आज वही कंपनी है, क्या कोई बदलाव है? कंपनी में कोई बदलाव नहीं है, बट कार्य करने की जो एक्टिविटी है इसमें बदलाव है, यस या नो? जो काम करने का तरीका है उसमें बदलाव है, और ये बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये छोटा छोटा बदलाव नहीं होगा तो आप बचपन से जवान कैसे होंगे, यस या नो? ये बदलाव हमारी जिंदगी में होता रहेगा और सब दिन होगा, क्या आप तैयार हैं? आने वाला टाइम पे बहुत कुछ होना है। मेरी अपलाइन जब मुझे यहाँ पे बैठाया था, मैं 7, 8, 9 दिन तक जब लगातार ट्रेनिंग किया तो मुझे समझ में आया कि यस, ये प्लेटफॉर्म ये है यहाँ पे जहाँ की महीने का लाखों नहीं कई लाखों रुपया कमाया जा सकता है। 7-8 दिन कंटिन्यू मैंने ट्रेनिंग किया, लगातार मैंने किस काम को किया? किसी भी काम को ना जिंदगी में आप एक बार ना करें, क्योंकि एक बार में किसी भी काम को करने से सफलता नहीं मिलती। जितने भी लोग हमारे दोस्त स्टूडेंट हैं, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या पढ़ाई करने के बाद सबके सब को नौकरी मिल जाता? सब लोग सरकारी एम्प्लॉय बन जाते हैं? नहीं बन जाते, ये सबको जानते हैं। उसके बावजूद भी लोग पढ़ाई क्यों करते? सबको पता है कि अगर 100 लोग मेंबर पढ़ाई कर रहे हैं तो 100 में क्या 100 लोगों को एम्प्लॉय जॉब मिल जाएगा? मिल जाएगा दोस्त? कितने लोगों को मिलेगा? 100 में कितने लोग को जॉब मिल जाएगा हमारे देश में? 5 से 10, पता है? उसके बावजूद भी पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 5 से 10 लोगों को ही जॉब होता है, उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं। वही वजह है दोस्तों, लगातार प्रयास, यस या नो? एक बार किसी वैकेंसी को भरने से जॉब नहीं मिल जाता है तो क्या दोबारा वैकेंसी नहीं भरते हैं? भरते हैं कि नहीं भरते हैं? दोबारा भी भरते हैं, इसी प्रयास के साथ। जब आप लगातार किसी काम को करेंगे तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। आप इस बिजनेस के अंदर जब लगातार प्रयास करेंगे तो अगर मुद्रिका गोल्ड ग्लोबल डायमंड बन सकता है, मुझे लगता है आने वाला टाइम में बहुत जल्द आप क्राउन ग्लोबल डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों ये 8-10 दिनों की ट्रेनिंग ना मेरा दिमाग चेंज कर दिया। मुझे ये बिजनेस अच्छा नहीं था, बट यहाँ सीखने के बाद मुझे लगा इस बिजनेस को अच्छा है। शुरुआत में बात समझ में नहीं आता था, जब मैं यहाँ बैठा तो समझ में आया। मुझे लगा नौकरी करना अच्छा है, लेकिन जब 8 से 10 दिन मैंने ट्रेनिंग लिया तो समझ में आया कि नौकरी क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। यस या नो? पहले मुझे समझ में नहीं आया था, पहले मुझे पता नहीं था, पहले मुझे लगता था नौकरी करना ही बेस्ट काम है और इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। समझ में आता है कि नौकरी करना बेस्ट है या डायरेक्ट सेलिंग करना बेस्ट है? डायरेक्ट सेलिंग कौन सा बेस्ट है? डायरेक्ट सेलिंग कौन सा बेस्ट है? डायरेक्ट सेलिंग। आज आप आज बोल रहे हैं, लेकिन जब ग्लेज में नहीं आए थे तो क्या उससे पहले बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे। तो ऐसा
कलेज ने क्या कर दिया कि आज आप नौकरी करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं। क्या कर दिया? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा प्लान आपके सामने दिया है, जिस प्लान पे एक साल अगर रात और दिन काम कर लिए तो आने वाला 40 साल काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ दोस्तों नौकरी में 40 साल काम करना पड़ता है, यस या नो? और 40 साल काम करके क्या सपना पूरा हो सकता है? सपना पूरा हो सकता है? मैंने बहुत ऐसे कम लोगों को देखा है कि नौकरी करने फर्स्ट क्लास एसी में सफर करता है, नौकरी करके हवाई जहाज पे सफर करता है, नौकरी करके 15-20 लाख की गाड़ियों पे घूमता है। मैंने बहुत कम शायद ऐसे लोगों को देखा, बहुत कम, 100 में 1। हेलो। लेकिन जिस बिजनेस के आप अंदर अगर आए हैं ना, इस बिजनेस में अगर एक बार दिल से विश्वास के साथ अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे चल दिया तो आने वाला कई साल तो सुधर जाएगा दोस्त, आपका आने वाला कई पीढ़ी सुधर जाएगा, कई पीढ़ी सुधर जाएगा। अगर आप एक आदमी से कामयाब हो गए तो, मैं सबकी बात नहीं करता, अगर एक घर में, एक परिवार में एक आदमी को नौकरी लगता है तो क्या सबकी जिंदगी बदल जाता है? सिर्फ एक आदमी की जिंदगी बदल जाता है। और मैं कह रहा हूँ जिस काम में, जिस बिजनेस में, जिस अपॉर्चुनिटी में आप हैं, अगर उस परिवार से सिर्फ एक आदमी डायमंड, वो ग्लोबल डायमंड बन गया ना, सिर्फ वो परिवार नहीं, उसका कई पीढ़ी सुधर जाता है, कई पीढ़ी सुधर गया दोस्त। मैं अपने परिवार से, आप मेरी बात एग्जाम्पल, मेरे परिवार में नौकरी मेरे पापा करते थे, मेरे भैया आज भी नौकरी करते हैं, और मेरे परिवार में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, परिवार बहुत बड़ा है। अब इस बिजनेस के अंदर मैं आ गया, अब मैं आके मैं ग्लोबल डायमंड चला गया, और मेरे ग्लोबल डायमंड जाने से मुझे लगता है कि मेरा 7 पीढ़ी तो मेरा कमाया हुआ पैसा को खर्च नहीं कर पाएगा, सिर्फ बैठ के खाएगा तो खर्च नहीं कर पाएगा। हेलो, तैयार हैं आप? कंटिन्यू लगातार इस काम को करना पड़ेगा, कभी हार नहीं मानना पड़ेगा आपको। यस या नो? दिन और रात 24 आवर ये काम करना है। तैयार हैं आप? शुरुआत के टाइम में जब मैं काम करता था, मुझे भूख और प्यास का चिंता नहीं होता था कि कब खाना खाना है, कब सोना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, वो 24 घंटा चलता रहता है। यस या नो?